नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है। कोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन का भी सुझाव दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने केंद्र को बताया कि वायु प्रदूषण एक गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा है कि हमें घर पर भी मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने अपने लेटेस्ट सर्वे में इन राज्यों का मूड बताया है, जिसके हिसाब से यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। वहीं पंजाब में मामला फंसता नजर आ रहा है। यहां बताना जरूरी है कि सर्वे का सैंपल साइज 107,193 था और इनमें 5 राज्यों के लोग शामिल थे। तो चलिए जानते हैं कि किस राज्य में क्या है जनता का मूड। मोबाइल कंपनी एप्पल ने एक नया पेटेंट दायर किया है जो आईफोन के बेहद खास फीचर को दिखाता है। ये स्पेशल फीचर केवल आईफोन मालिक को ही स्क्रीन पर कंटेंट देखने देगा। हालांकि ये सब एक खास चश्मे की मदद से होगा। यदि रियलिटी में देखा जाए तो ये नया प्राइवेसी फीचर आईफोन यूजर को ये छिपाने में मदद करेगा कि वो फोन पर क्या देख पड़ रहे हैं, खासतौर से पब्लिक प्लेस या मेट्रो ट्रेन में। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है। हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के तहत शनिवार की सुबह 10:41 पर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचे। वहां पहले से जुटे हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आजादी भीख में मिलने का बयान देकर विवादों में घिर गई है। अब कंगना ने कहा है कि अगर वो गलत साबित होती हैं तो पद्मश्री अवार्ड लौटा देंगी। कंगना ने अपने बचाव में जो तर्क दिया है वो और भी चौंकाने वाला है। गौरतलब है कि पद्मश्री मिलने के एक दिन बाद ही कंगना ने विवादास्पद बयान दिया था। फिल्म अभिनेत्री ने कहा था कि असली आजादी तो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद मिली है। 1947 में मिली आजादी तो भीख में मिली थी। इसके बाद देश भर में कंगना का विरोध हो रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह आईक्यू एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 3 शहर भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में दिल्ली 556 वायु गुणवत्ता के साथ टॉपर है। इस लिस्ट में कोलकाता 4th नंबर पर है और मुंबई 6th स्थान पर है। सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेगोंदू भी शामिल है। भारत में आज यानी शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,850 नए मामले सामने आए हैं और वहीं इस दौरान 555 लोगों की जान चली गई है। सबसे अधिक राहत की बात यह है कि एक्टिव केस अपने 274 दिनों के न्यूनतम स्तर पर आ पहुंची है। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,36,308 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बैठक के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। पायलट की इस मुलाकात के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल तय है। इस फेरबदल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने के साथ ही पायलट समर्थकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। अब दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे ने चेन्नई सेंट्रल डिवीजन के टाडा सल्लू रुपेटा खंड में स्थित पुल पर खतरे के स्तर से ऊपर पानी के अति प्रवाह के चलते कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सक्रिय हो गया है। CPCB की उपसमिति ने शुक्रवार को आपात बैठक कर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से कई सख्त निर्णयों पर अमल करने के लिए कहा है। संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के ऊंचे किराए पर चिंता जताई है और नागर विमानन मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर विचार करने का सुझाव भी दिया। सूत्रों ने कहा कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बढ़ते किराए को लेकर मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी अपने एक आदेश में साफ किया है कि आपराधिक प्रक्रिया रद्द करने के लिए हाईकोर्ट आरोप पत्र के उस मसौदे पर भरोसा नहीं कर सकते जिसे पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पुराना कानून है कि हाईकोर्ट को धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम और सावधानी से करना चाहिए।
जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने हाल ही में अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद भारत ने 2020 में डायरिया और न्यूमोनिया से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए उनके टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व निमोनिया दिवस के मौके पर शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने 6% ज्यादा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन दी है। देश के दक्षिणी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से फिलहाल निजात मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी और दक्षिणांतरीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी अभी कुछ दिनों तक धुंध जारी रह सकती है। किराए में वृद्धि को लेकर यात्रियों के असंतोष को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए विशेष का टैग हटा दिया है और तत्काल प्रभाव से महामारी से पहले का किराया बहाल कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में ढील देने के बाद से रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। बता दें कि रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की हैं और अब कम दूरी की यात्राएं सेवाएं भी विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे न केवल भूकंप की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है, साथ ही साथ इससे विनाशकारी तरंगों के भूमि की सतह से टकराने के बीच लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट का लीड समय भी मिल सकता है। यह अवधि भले ही कम लग सकती है, लेकिन कई उपायों के लिए ये पर्याप्त हो सकती है जिनसे अनगिनत जिंदगियां बच सकती है। केरल में कोरोना महामारी का कहर अभी थमा भी नहीं है कि एक और वायरस ने वहां दस्तक दे दी है। वायनाड जिले में नोरो वायरस का मामला सामने आया है। दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलने वाला यह पशु जनित बीमारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को लोगों को इसको लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम में पीएम मोदी की एंट्री C-130 सुपर हरक्यूलियस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में होगी। कार्यक्रम के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 30 फाइटर जेट्स को पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतारने की तैयारी की जा रही है। अफगानिस्तान के कई छात्रों ने रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम के लिए भारतीय संस्थानों में आवेदन किया है। इनमें से कई छात्रों ने आईआईटी दिल्ली में आवेदन किया और दाखिला पाने में भी सफल रहे। बावजूद इसके ये छात्र आईआईटी दिल्ली नहीं आ सके। इसका बड़ा कारण ये है कि इनमें से किसी भी छात्र को भारत का वीजा नहीं मिल सका है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी राम गोपाल राव ने बताया कि आईआईटी दिल्ली ने भारत का वीजा हासिल करने के लिए आईआईटी दिल्ली से संबंधित अफगानी छात्रों की मदद की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत दौरे पर आने की संभावना बन रही है। इस दौरे के दौरान भारत रूस के बीच कई अहम समझौतों पर बात होगी। गौर करने वाली बात यह, अमेरिकी प्रशासन के लिए फास्ट परी रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भी अगले महीने ही भारत पहुंचने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक ने कहा है कि वो COVID-19 टीकों की दूसरी पीढ़ी की प्रतीक्षा कर रही है, जिसमें नाक के स्प्रे और ओरल शॉट्स को शामिल किए जा सकते हैं। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि इस तरह के टीकों का मौजूदा समय में लाभ हो सकता है, क्योंकि वे इंजेक्शन की तुलना में अधिकांश लोगों तक पहुंच जाना आसान होगा। यहां तक कि इसे खुद भी लिया जा सकता है, यानी स्प्रे और ओरल शॉट्स को लेने के लिए किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों से अपील की है कि राजनीतिक दल सभी को जाति, धर्म और जिन्ना के मुद्दे में उलझाएंगे, लेकिन उन्हें खेती के मुद्दे पर डटे रहना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली को एक सलाह दी है। अफरीदी को लगता है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को बल्लेबाज के तौर पर और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खेल के सभी प्रारूपों में कप्तान की भूमिका छोड़ देनी चाहिए। समा टीवी चैनल पर बात करते हुए अफरीदी ने कहा कि BCCI का रोहित शर्मा को भारतीय T20 टीम का कप्तान नियुक्त करने का फैसला अच्छा है। वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो रामायण विलुप्त हो जाती। अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर नहीं होते तो आज हम अंग्रेजी ही पढ़ रहे होते। उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर ने ही हिंदी शब्दकोश बनाया था, अंग्रेजी हम पर थोपी गई थी। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि दिल्ली हिंदी के शब्दकोश के लिए काम करना होगा और इसे मजबूत करना होगा। कांग्रेस के नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले कांग्रेस के नेताओं में से एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम
है कर्नाटक के पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद माधव राज का। प्रमोद माधव राज ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रेन में बदलाव पर प्रधानमंत्री की तारीफ की है। देश के पहले प्राइवेट और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के बाद बदल दिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। इसी दिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट की वारदात बढ़ती जा रही है। हाल ही में कानपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक दिखा, जहां बाइक सवारों ने सरेआम महिलाओं से चेन लूटी और वहां से फरार हो गए। इस पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने इस घटना पर ट्वीट कर लिखा कि देश के गृहमंत्री जी गहने लाद कर निकलने वाले जुमला देते हैं, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही पता है कि उन्हें रोज किस तरह की चीजों से जूझना पड़ता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने सीनेटर जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें सीनेटर माइकल क्रापो, सीनेटर थॉमस ट्यूबरविले, सीनेटर माइकल ली, कांग्रेस टोनी गोजानलेस और कांग्रेसी जॉन कोविन एलिजे सीनियर शामिल थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन की खुराक पहुंचाई गई है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने अपने ड्रोन ऑक्टा कॉप्टर के जरिए कोरोना वैक्सीन की डोज पहुंचाई। इस ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के दौरान ज्यादा समय की खपत नहीं हुई, बल्कि महज 20 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में प्रदूषण बढ़ने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।